हेलो गीक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, अगर आपके आईफोन पर बैक टैप वर्क नहीं कर रहा है तो क्या सॉल्यूशंस लेने चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि बैक टैप क्या होता है, उनको बता दूं कि iOS 14 में एप्पल ने एक नया फंक्शन प्रोवाइड किया था, एक नया एक्सेसिबिलिटी फीचर प्रोवाइड किया था, जिसमें यूजर्स अपने फोन पर पीछे डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप करके कोई भी एक फीचर, एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक्टिविटी को एक्टिवेट कर सकते थे। एंड बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू, आईफोन 8 एंड अबव मॉडल्स में ही ये वर्क करता है। अगर आपके पास 7 या पुरानी जनरेशन का कोई सा आईफोन है तो आई एम सो सॉरी, यू माइट वॉन्ट टू थिंक ऑफ एन अपग्रेड नाउ। एंड नाउ दैट यू नो कि कौन सा आईफोन एक्चुअली वर्क करता है, तो अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स के बारे में। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा सेटिंग्स को रिकन्फिगर करना। देखो, अगर आपने पहले से ही बैक टैप को एक्टिवेट किया हुआ है बट फिर भी बैक टैप वर्क नहीं कर रहा है, तो एक वाइज डिसीजन यहाँ पर यही है कि आप बैक टैप को दोबारा से रिकन्फिगर करें। एंड बैक टैप को दोबारा से रिकन्फिगर करने का बहुत आसान स्टेप है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे एंड टैप करेंगे एक्सेसिबिलिटी में। अब टैप करेंगे टच पर। अब बॉटम में जाएंगे एंड टैप करेंगे बैक टैप पर। अब डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप में से कोई एक एक्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड उसका डेजिग्नेटेड एक्शन को सेट कर लेंगे। एंड दैट्स इट, आपने जो भी एक्शन डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप को असाइन किया था, आप उसको डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप करके चेक कर सकते हैं। बट अगर बैक टैप अभी भी वर्क नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे। देखो, बैक टैप काफ़ी रिफाइंड फीचर है बट लेकिन अगर आप अपने आईफोन के ऊपर काफ़ी मोटा केस लगा कर रखेंगे, काफ़ी थिक केस, रग्ड या फिर बैटरी केस लगा कर रखेंगे, तो चांसेस काफ़ी कम है कि वर्क करेगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट भाई, मैंने तो सेटिंग्स भी रिकन्फिगर कर ली हैं एंड मैं तो आईफोन पर केस भी यूज़ नहीं करता, फिर भी बैक टैप वर्क नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में क्या करना है। देखो, सिंपल सीधा सॉल्यूशन है, आईफोन को रिस्टार्ट कीजिए। काफ़ी सारे बग्स एंड ग्लिचेस आईफोन को जस्ट रिस्टार्ट करने से फिक्स हो जाते हैं एंड यू माइट वांट टू ट्राई इट। चलो भाई, केस भी हटा लिया, सेटिंग्स भी रिकन्फिगर कर ली, रिस्टार्ट भी कर लिया बट फिर भी अभी भी बैक टैप वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या करना है। देखना है कि आपके iOS का अपडेट अवेलेबल है या फिर नहीं है। देखो, ये एक्सेसिबिलिटी फीचर iOS 14 में इंट्रोड्यूस हुआ है एंड अगर आपके पास iOS 13 या फिर कोई पुराना iOS है तो उसमें अगर आपके पास कंपैटिबल डिवाइस भी है तो भी वर्क नहीं करेगा। So make sure that you have the latest iOS on your device. And how to check if you have update? Just go to settings, tap on journal, tap on software update and install the new software if the update is available for you. भाई, रिस्टार्ट भी कर लिया, केस भी हटा लिया, iOS भी अपग्रेड कर लिया, अब क्या करना है। बैक टैप अभी भी वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में आई वुड रिकमेंड यू टू रीसेट ऑल योर सेटिंग्स। डोंट वरी, आपका डेटा कहीं नहीं जाने वाला है, जस्ट आपकी सेटिंग्स सेट टू डिफॉल्ट हो जाएंगे। एंड आईफोन की सेटिंग्स रीसेट कैसे होती हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ओपन द सेटिंग्स ऐप एंड टैप ऑन जर्नल। अब टैप करेंगे रीसेट पर। अब टैप करेंगे रीसेट ऑल सेटिंग्स पर एंड वेट करेंगे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। Once your settings are resetted, I hope कि अब आपका back tap flawlessly and properly work करना शुरू कर देगा। Thanks a lot for watching this video. I hope this video has helped you out. If yes, then please make sure that you hit the like button, subscribe button and press the bell icon as well so that हमारे future videos की notification आप कभी miss ना करें। Also follow us on our social media handles. नीचे description में आपको links सभी मिल जाएंगे so that you stay up to date with everything Apple. Stay safe, stay connected.